Hello guys, welcome on Get Government Job YouTube channel. This is your friend Prabhat Kumar speaking. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जनन ग्रंथियों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि जनन ग्रंथियाँ क्या होती हैं और ये किस तरीके से काम करती हैं। तो दोस्तों जनन ग्रंथियाँ जैसे हम गोनेट्स के नाम से भी जानते हैं, जनन कोशिकाओं के निर्माण के अलावा अंतःस्रावी ग्रंथियों के जैसे भी काम करती हैं। यदि हम मादा की बात करें तो उसमें ये अंडाशय हैं और यदि हम पुरुष की बात करें तो वृषण, वहाँ पे ये जनन ग्रंथि के रूप में जाने गए हैं। यदि हम अंडाशय की बात करें तो ये मादा के उदर गुहा में स्थित होता है। इसके द्वारा कई तरह के हार्मोन्स निकलते हैं जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। वहीं यदि हम बात करें वृषण की तो यह नर जनन अंग है। यह शरीर के बाहर एक्रोटल कोश में स्थित होता है। वृषण के अंदर स्थित अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग कोशिकाओं में ऐसे नर हार्मोन्स स्रावित होते हैं। इससे स्रावित होने वाला हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन है। तो ये हो गई आपकी जनन ग्रंथियां। तो उम्मीद है दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।